नमस्ते। आप सब लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ कहूँ। जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बोला था कि अक्सर हम अपने बच्चों में बुराइयाँ ही देखते रहते हैं। मतलब बच्चों के लिए बोलेंगे कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा, आजकल बच्चा बिगड़ गया है, लेट उठता है, आलसी हो गया है। अक्सर हम ये बातें करते रहते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी नहीं देखा कि बच्चे में अच्छाइयाँ भी तो होती है। इसलिए हमेशा अच्छाइयों को भी थोड़ा देखो। तो मैं आप सब लोगों से वही शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे में मैंने क्या अच्छाइयाँ देखी। आजकल मेरा आदित्य बड़ा अच्छा हो गया है, सुबह 4 बजे उठता है। मैंने इसको खुद ही काम दिया था एक बार। पहले मैं जगाती रहती थी इसको, तो ये उठता नहीं था, बहुत परेशान करता था। फिर एक बार प्रिंसिपल सर ने जब मीटिंग ली थी, उसके बाद ये ऐसा संभल गया कि 4 बजे उठता है और खुद उठ के फिर आधे घंटे बाद मम्मी पापा दोनों को जगाता है। हम तीनों पार्क में जाते हैं, वॉक करके आते हैं आधे घंटे के लिए। उसके बाद आदित्य की दिनचर्या शुरू होती है सुबह से, कि सुबह हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं, आदित्य अपने काम में लग जाता है। सुबह इसका काम होता है कि चिड़िया के लिए दाना रखना, पानी रखना और गाय के लिए पानी भरना, जैसा कि हम कई सालों से भरते आए हैं कि आने जाने वालों के लिए, जैसे सब्जी वगैरह बेचने आते हैं उनके लिए पानी रखते हैं हम कैंपर भर के। तो वो आजकल काम आदित्य ने संभाल लिया है, हम दोनों को नहीं करना पड़ता। ये सारे काम आदित्य बखूबी कर लेता है। इसके अलावा किचन में मेरी हेल्प करता है और बहुत कुछ ऐसे काम है उसके साथ साथ। ऐसा नहीं है कि ये काम ही करता रहता है, उसके साथ साथ ये पढ़ाई भी अपने टाइम पे कंप्लीट करता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने अपने बच्चे की अच्छाइयाँ शेयर की आप सबसे, आप सब भी ऐसे ही अपने बच्चों की अच्छाइयाँ शेयर करो। और मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपने आप अपने बच्चे में बदलाव नजर आएगा आपको। जैसे कि मैंने अपने बच्चे की गुड हैबिट्स के बारे में आप सबको बताया, आप सबसे शेयर की सारी बातें, उसी तरह से आप भी अपने बच्चे में जो अच्छाइयाँ देखते हो प्लीज जरूर शेयर कीजिए, उसमें बदलाव आप खुद देखेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी कि जरूर अपने बच्चों की अच्छाइयाँ देखें और शेयर कीजिए। और आज तो मेरे बच्चे ने कमाल ही कर दिया। आज मेरे बच्चे ने मेरे लिए चटनी बनाई, उसके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू। और मैं भी कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, प्रिंसिपल सर भी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।